नमस्कार दोस्तों, क्या होता है नजर लगना, कैसे बचें इस खतरे से। दोस्तों, मनुष्य पर नजर लगने के कई हानिकारक प्रभाव देखे जाते हैं, जैसे कि जब बच्चों को नजर लगती है तो वो बिना कारण के रोने लगते हैं, चुप कराने पर चुप होने का नाम ही नहीं लेते। समस्या तब होती है जब आप बेवजह सुस्त चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिस कारण न भूख लगती है न काम में मन लगता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, थोड़ा सा सेंधा नमक अपने ऊपर से दक्षिण दिशा से फिर विपरीत दिशा में घुमा लें। अब इसे एक गिलास पानी में डाल दें। पुरानी परंपराओं के अनुसार नमक और पानी का मिलान होता है, तब बुरी नजरें भी उसी में खुल जाती है और उसका असर खत्म होने लगता है। अब उस पानी को आप नाली में या फिर आप उसे फ्लश कर दें। अगर आप परिवार के किसी सदस्य को, आपके परिवार में किसी सदस्य को लंबे समय तक रोगी पाएं, तो समझ लें कि मामला गड़बड़ है, उसे नजर लगी हुई है। आपके आसपास के समुद्र या तालाब या झील का पानी बोतल में ले लें। मंगलवार को सफेद कपड़े में पानी लेकर घर के कमरों में छिड़काव करें, सफेद कपड़े को भिगोकर उसमें। अब मंगलवार को न कर सके तो शुक्रवार और पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। अगर यह भी ना हो सके तो कच्चे नारियल के छिलके से, छिलके जो होते हैं, उसे घर में जला दें। इससे आप बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, कभी कभार व्यापार में तन मन धन लगाने के बावजूद असफलता ही हाथ लगती है। इसका कारण भी नजर लगना ही हो सकता है। इसका उपाय है, आम बात है कि लोग अपनी दुकान खोलते हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं तो नींबू का गुच्छा लटका देते हैं, लेकिन छोटी सी गलती कर देते हैं, इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करते। जहां भी आप काम करें वहां पानी के गिलास में नींबू रखें। इससे आप नजरों से बच सकेंगे। भरे गिलास में एक ही नींबू रखें और शनिवार को नींबू बदलें। परिवार में गर्भवती महिला से कई उम्मीदें रहती हैं। इसमें पड़ोसी भी शामिल हो जाते हैं, जिससे महिला को बुरी नजर का शिकार होना पड़ता है। इसका उपाय है, आपके परिवार की गर्भवती महिला घर से बाहर निकले तो उसकी हिफाजत के लिए बस इतना करें कि उसके हाथों में नीम के पेड़ की 3-4 पत्तियां थमा दें। जैसे ही वह घर लौटे तो उन पत्तियों को जला दें। जिस स्त्री या पुरुष पर आपको संदेह हो कि उसकी नजर लगी है, तो उसका हाथ जिसे नजर लगी है उसके सिर पर फिरवा दें, जिससे कि नजर उतर जाएगी। रविवार के दिन नजर लगे व्यक्ति के सिर से 3 बार दूध उतारकर मिट्टी के पात्र में भर दें और फिर कुत्ते को पिला दें। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर से हनुमान जी के कंधों का सिंदूर लाकर नजर लगे व्यक्ति के मस्तक पर लगाना चाहिए। राई के 7 दाने, नमक की 7 छोटी डलियां, 7 साबुत लाल मिर्च नजर से पीड़ित के सिर, नजर जिसको नजर लगी है उसके सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर जलती हुई आग में डाल दें। इस क्रिया को करते समय किसी की टोक नहीं होनी चाहिए, न ही किसी के साथ बात करनी चाहिए। ये समस्त कार्य बाएं हाथ से ही करना चाहिए। आग के लिए लकड़ी या फिर देसी आम की लकड़ी होनी चाहिए। नजर लगे व्यक्ति के ऊपर से फिटकड़ी उतारकर उसे बाएं हाथ से कूट लें और फिर उस चूरन को कुएं में या किसी भी पानी में डाल दें। लहसुन, राई, नमक, प्याज के छिलके एवं सूखी लाल मिर्च, यह सब नजर लगे बच्चे पर 7 बार उतारकर अंगारों पर डाल दें। जलने पर बदबू ना आए तो समझो कि उसे बहुत बुरी नजर लगी है। दुकान पर नजर लगी हो तो रविवार अथवा मंगलवार के दिन लाल मिर्चें धागे में पिरोएं और बीच में नींबू पिरोकर दुकान के प्रवेश द्वार पर माला की तरह बांध दें। उसे सीधा नहीं लटकाना, उसे माला की तरह बांध देना है, जिस तरह हम तोरण बांधते हैं।
एक साबत नींबू के ऊपर काली स्याही से 307 लिख दें और उस व्यक्ति के ऊपर उल्टी तरफ से 7 बार उतारें। इसके पश्चात उसी नींबू को 4 भागों में इस प्रकार से काटें कि वह नीचे से जुड़े रहें और फिर उसी नींबू को घर के बाहर किसी निर्जन स्थान पर फेंक दें, नजर उतर जाएगी। लाल मिर्च, अजवाइन और पीली सरसों को मिट्टी के एक छोटे बर्तन में आग लेकर जलाएं, फिर उसकी धूप नजर लगे बच्चे को दें, नजर ठीक हो जाएगी। दोस्तों, घर के पास पेड़ की जड़ में शाम को थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें, फिर गुलाब की अगरबत्ती जलाएं, नजर दोष दूर हो जाएगा। दोस्तों, घर या व्यापार स्थल के प्रवेश द्वार पर मयूर का चित्र लगाने से बुरी नजर नहीं लगती। जब बच्चे को काला टीका या काला धागा बांधा जाता है, वह किसी भी प्रकार की ऊष्मा या बुरी नजर को बच्चों में प्रवेश नहीं करने देता। धन्यवाद दोस्तों।